ये आज का मेरा वीडियो लास्ट हो सकता है, क्योंकि आज के बाद हो सकता है मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा रिपेयरिंग के बारे में। आज तक बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे एक्सेल ट्रांसमिशन इंजन, लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए कि मैं ये इस तरह के वीडियो बनाना क्यों छोड़ने वाला हूँ। एक्चुअली इसका हम एक्सेल खोलने आए थे तो एक्सेल भी खोला है। काफ़ी दिनों से ये वीडियो बना के मैं ये चैनल बंद करने वाला था, लेकिन बोला सोचा कि सबको पता होना चाहिए कि वीडियो आखिर क्यों नहीं बनाने वाला। वैसे इसका हमने एक्सेल खोला है, वहाँ पे देख सकते हैं आप प्लेट है ना, यहाँ पे पुराना प्लेट है, तो ये सब काम करने आए थे। ये थोड़ा सा दिखाते दिखाते आपको बता देता हूँ क्या हो रहा है कि हम जो वीडियो बनाते हैं वो वीडियो देखते हैं लोकल वाले मैकेनिकल, चाहे ट्रैक्टर के हो, टेम्पो के हो, जो भी लोकल मैकेनिकल है वो इस मार्केट की वाट लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं उनको कुछ पता भी नहीं है कि किस काम के कितने रुपए लेने चाहिए। अगर एक्सेल का काम किया आपने तो उसकी जो सर्विस चार्ज होती है, उसका मेहनताना होता है, जो लेबर होता है वो कितना लेना चाहिए, या फिर आपने ट्रांसमिशन का काम किया, सिलकिट का काम किया, कोई भी काम हो उसका एक चार्ज होता है, कंपनी तय करती है। कंपनी अगर 2000 लेती है तो वहाँ पे हम 1500 रुपये ले रहे हैं, लेकिन बाहर के जो फिटर है, लोकल मैकेनिकल है, वो पूरे मार्केट की वाट लगा रहे हैं। वो 400 में 500 रुपये में सिलेंडर का सिलकिट डाल रहे हैं, 2000 में 3000 में पूरे एक्सेल का काम कर रहे हैं। ट्रांसमिशन का काम जहाँ पे 7-8 हज़ार रुपये लगता है वहाँ वो 2-3 हज़ार में कर रहे हैं। कर तो रहे हैं, वो भी अच्छा नहीं कर रहे हैं, रिपीट जॉब आ रहा है वो लोगों का। मतलब एक तो काम भी ठीक से नहीं कर रहे, लेकिन मार्केट की जो है वाट लगा रहे। क्यों लगा रहे कि क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो फ्री में मिल रहा है, उनको फ्री में नॉलेज मिल रहा है, तो उस वजह से ये लोग बहुत सारे जगह से ऐसे कंप्लेंट आए कि भाई ये टेम्पो वाला है, ट्रैक्टर वाला है, ये तो 300 में सिलकिट डालता है, आप तो 1500 रुपये बोल रहे हैं। एक्सेल का काम है जो अभी हमने खोला है वो तो 3000 में कर रहा है, आप 5000 क्यों ले रहे हैं। जितने भी मेरे इंजीनियर लोग हैं, दोस्त हैं मेरे, आप महाराष्ट्र में पूरी जगह पे है, कुछ लोग गुजरात में है, अभी मैंने पिछले 12 साल से काम कर रहा हूँ तो बहुत जगह पे मेरे दोस्त लोग हैं जो पहले मेरे साथ कंपनी में ट्रेनिंग के लिए आए थे, या फिर किसी तरह से उनके साथ जो दोस्ती हुई है, वो लोग बता रहे हैं कि भाई हमारे एरिया में लोकल लोग इतना कम में काम कर रहे हैं। ये एक तरफ से ये जो बिजनेस है उसकी वाट लगा रहे हैं। मतलब जो मेरे दोस्त लोग हैं, जो इंजीनियर हैं, मैकेनिकल है इस फील्ड में, वो जहाँ पे जिस काम की 5000 रुपये 4000 रुपये चार्ज कर रहे थे वहाँ पे लोकल बंदे लोग, तो ये रीज़न है। बाकी के लोकल जो फिटर लोग हैं इतने कम में काम कर रहे हैं। अब उनको क्या है, वो लोग हमारा वीडियो देखते हैं, पहले तो उनको नॉलेज होता है, ये वीडियो देख के आसानी से सीख सकता है, ये तो आपको भी पता है, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है यार कि इतने कम में काम करना चाहिए। अब हमने इसमें 12-12, 15-15 साल इसमें लगाए हैं, तो हम वो क्वालिटी भी देते हैं और उतना पैसा भी लेते हैं, लेकिन ये लोकल लोग समझ नहीं रहे इस बात को, तो इस ये सबसे बड़ा रीज़न है चैनल बंद करने का। अब मुझे आप सभी लोगों से कमेंट में ये चाहिए कि इसमें और कुछ क्या किया जा सकता है, या जो मैंने डिसीजन लिया है वो ठीक है, सही है, या गलत है, या और कुछ मुझे करना चाहिए इसके लिए, वो बताना आपको पड़ेगा। कमेंट जल्दी करो कि मैंने जो डिसीजन लिया है चैनल बंद करने का, वीडियो नहीं बना होगा, ये ठीक है या और कुछ किया जा सकता है, ये मुझे आपसे कमेंट करके चाहिए। तो देखते हैं आगे आप लोगों के कमेंट्स कैसे मिलते हैं, क्या कुछ और किया जा सकता है। ये सबसे बड़ी ये समस्या है। और चैनल मैंने स्टार्ट करने का रीज़न था कि कुछ जगह पे इंजीनियर मैकेनिकल जल्दी अवेलेबल नहीं होता, तो उस टाइम पे बहुत बंदे लोगों का मशीन फंसता है, तो वो जल्दी से स्टार्ट हो जाए और छोटे मोटे काम आप ऑपरेटर हो, मालिक लोग हो, वो कर पाए, इसके लिए मैंने चैनल बनाया था। ऐसा नहीं कि मार्केट की पूरी वाट लगी, तो ये सब कुछ हो रहा है, मार्केट की वाट लगा रही है लोग, लोकल वाले बंदे लोग,
और हमारे जो दोस्त थे और मुझे भी, जो मेरा काम था, जो महीने में 30-40 साइड आती थी वो भी काफ़ी कम हो चुकी है इसकी वजह से। और कोई भी बंदा नॉलेज आसानी से मिल रहा है तो उसको उसकी वैल्यू ही नहीं है, चलो भाई 500 में करो, 1000 में करो। तो यही रीज़न है। आपको क्या कहना है जो आप इतने दिनों से वीडियो देख रहे हैं, ये सब कुछ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, फिर देखते हैं आगे क्या करना है क्या नहीं। मैं थोड़ा दिन रुक के बंद करूँगा, आपके कमेंट्स की राह देखूँगा, क्या कमेंट्स आती है आपकी तरफ से, और उसके बाद फिर मैं फाइनल डिसीजन लेता हूँ।